अरे हारो यही है राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तब मेरे मित्रों में देख जा रहा हूं कि तब यहां बैठे देखो ना देखो और यहां बैठे नीचे और यहां नीचो जाई और यह समाचा। और तब बैठे जब यहां श्री हत भये। परंतु आप लोग से होने के उपरांत भी मेरी मिथिला का प्रत्याग नहीं किया, लेकिन आप लोग कहो महाराज आज हमारा अपमान हमारा तिरस्कार तक नहीं मिले। मित्रों मैंने तो पूर्ण ही विचार कर लिया था यदि किसी भी क्षत्रिय नेपाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा और कदाचित अपने कार्य में असफल हो गया तो यही कहेगा कि राजा जनक ने कौन सी प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलाया। तो ऐसा नहीं कि मैंने बुलाया नहीं था, बुलाया था, लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी और वह विधा प्रण की मुनादियां प्रण की डुगडुगियां यहां तक कि मेरे मित्रों मैंने प्रण की पुनः घोषणा करवाई थी। लेकिन मेरे मित्रों यहां पर स्थितियां तो ऐसी आ गई कि आदेशों देश के राजा गड़ो। अरे आई हुई दीप दीपांतर के नेपालो मई पालो मैंने देख लिया आपका साहस, देखा मैंने आपका पौरुष, लेकिन मेरे मित्रों हम किने कहे ये बलशाली है, हम मैं किसको कह दूं कि आप बलशाली हो, पर अभी हमको यह भी विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है। किंचितम् यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता। यदि यह विचारो पहले होता तो यहां वे वसी नहीं होती और देख लो दुनिया वालों अरे हम अपना यह प्रण करते ही नहीं यह ऐसी ये हसी नहीं होती। अरे हसलो दुनिया वालों जब व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य बिगड़ जाते हैं तो लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे मित्रों मेरा पुण्य चला जाएगा, एक दो जन्म के नहीं अनेकों जन्म के, क्योंकि ये राजा जनक का पुण्य है, जनक का सुकृति है, ये है जनक सुकृति। सुकृति क्या है? अरे यह मूरत ये वैदेह
यह जनक सुख की। ये जनक सुख दी, जनक का पुण्य है। अब कब चले जाएंगे मेरा पुण्य? जब मैं अपना पुण्य छोड़ूंगा। तो यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्म हानि है, लज्जा है। यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे मित्रों मेरे पुण्य चले जाएंगे। एक तो जन्म के नहीं, अनेकों जन्म के। क्योंकि मेरे मित्रों किए है सुकृति जाई, कब? जब यह प्राण परी ये हराऊं। तो मेरे मित्रों में आप लोगों से जानना चाहता हूं कि संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो पिता महाराज ये चाहता हो कि हमारी बेटी कुंवारी बैठी रहे। संसार में मेरे मित्रों ऐसी कौन सी मैया है जो मैया ये चाहती है कि महाराज हमारी बेटी का पाणी के संस्कार ना हो। और मेरे मित्रों संसार का कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता। क्या ऐसा चाहता है? लेकिन आज राजा जनक अंतिम घोषणा करने जा रहा है, जो संसार का कोई पिता नहीं चाहता। कैसा कहता है कि ये है कुंवारी कुंवर, ये रही है ये कराहूं, ये है जनक सुकृति। ये जनक सुकृति है, जनक पुण्य है। और कब चले जाएगा मेरा पुण्य? जब मैं अपना प्रण छोड़ दूंगा। तो यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्मो हानि है, लज्जा है। और देखो ना, यह सीता को कुंवारी रहना ही है। क्या करें हमारा बसो क्या है? यदि बस की बात तो मेरे मित्र से पत्नी है कि यह आसरा छोड़ो और यहां से प्रस्थान करो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तो भरी निराशाओं पर प्रकट हो गई है। कहते महाराज हम मिथिला जा रहे हैं और मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके कीर्ति पताका फहराएंगे, तो तुम्हारा यश अपयश पर बन जाएगा। तो यह है आसरा छोड़ो और यहां से प्रस्थान करो, क्योंकि यहां परो न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री विवाह अब लिखा नहीं है विधाता ने। लेकिन बेटी तू अपने हृदय को मत दुखी करना बेटी, रो लेने अपने पिता को। यदि आज बेटी मेरे प्रण की पूर्ति ना हुई तो मैं अपने जीते जी अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। और सुनाई महाराज जनक जी का कावणिक विलाप हमारे परमादरणीय श्री राजन जी तिवारी जी, आप बरुआ सुमेरपुर से पधारे, जनपद हमीरपुर से
आपने महाराज जनक जी के कारुणिक विलाप पर 21 पद मुद्राएं आपने भेंट किए हैं। सम्मानित तिवारी जी को धर्मन से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटी तो अपने हृदय को मत दुखी करना बेटी, रो लेने अपने पिता को। यदि आज बेटी मेरे पिण की पूर्ति ना हुई तो मैं अपने जीते जी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। सीते मत रो, बात तो मेरी तू मान। बेटी मत रो, बात तो मेरी तू मान। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी तो तजदो अपने प्राण। बेटी मत रो, बात तो मेरी तू मान। अब तो मैं कुछ सब प्रतीत हो रहा है, ये हिस्सों का चाप अभी टूटेगा। यदि आज इस आयुध का खंडन न हुआ तो मेरे मित्रों हम अपने जीते जी अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। ये हिस्सों का चाप अभी टूटेगा। जहां फिरो जगो हमसे छूटेगा। और मैं अपने हाथों से अरे लूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात तो मिली तू। ध्यान में प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय पंडित नीरज तिवारी जी, जो कि जनपद उन्नाव से पधारे हुए हैं, वर्तमान दिल्ली में आपका निवास है। आपने 51 पुष्प मुद्राएं महात्मा विदेह जी के कारुणिक विलाप में प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में हमारे परम आदरणीय अमित कुमार जी, जो कि बरमपुर से निवासी हैं, आपने भी केश पुष्प मुद्राएं पुनः पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो भरुआ हमीरपुर से आए हुए हैं, आपने भी महात्मा विदेह जी के कारुणिक विलाप पर 21 पुष्प मुद्राएं, और पंडित राजेंद्र अग्निहोत्री जी, वासुदेव अग्निहोत्री जी जो बैजानी गांव से पधारे हुए हैं, उनकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो मेरे मित्रों, इस संसार में यदि कोई पराधीन है तो सिर्फ बेटी पराधीन है। जब तक यह बेटी अपनी मैया की यहां रहती है तो अपने पिता की अधीन रहती है। जब यही बेटी का एक दिन पाण ग्रहण संस्कार हो जाता है तो अपने पति की अधीन हो जाता है। और जब यही बेटी का मेरे मित्रों अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म देकर के दी अपने पुत्र के अधीन हो गया, तभी तो संसार में किसी को लिखना पड़ गया कि वो हुकते बिभिस्र जी। यदि संसार में कोई पराधीन है तो मेरे मित्र बेटियां पराधीन। अरे वो हुकते बिभिस्र जी, देखो ना, और ये है नारी ये जगो माही परपरा चार करना मिली। जो व्यक्ति पराधीन होगा क्या उसको जीवन में सुख मिल सकता है?
कभी भी जीवन में सुख नहीं। अरे वो हो पराया सपने हूँ सुख ये नाही। अरे वो हो पराधी इनको मेरे मित्रों कभी भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। ध्यान में ये हमारे परम आदरणीय बड़े भैया शिवकरण जी पूर्व प्रधान ग्राम केशवपुर की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत ही सुंदर और कारुणिक अभिनय आप देख रहे हैं। महात्मा विदेह की प्रस्तुति में हमारे छोटे भैया आदरणीय संदीप शर्मा जी जो कुपरा हमीरपुर से पधारे हुए हैं, तो आप उनका कारुणिक विलाप सुने और आनंद ले। धन्यवाद। तो मेरे मित्रों आप लोग करो महाराज इस विशाल आयुध को संसार का प्रत्येक किसी भी भीड़ ने नहीं उठा पाया। तो मेरे मित्रों आप लोग इसका वास्तविक भार नहीं जानते। आज इस सभा में अवगत करा रहा हूं किसका मेरे मित्रों वास्तविक भार कितना है। ये संसार का प्रत्येक एक नेपाल नहीं जानता। क्या जानता है कि गरुए कठोर संसार प्रत्येक एक नेपाल को नहीं कि गरुए कठोर विद्यते सबो काहू। सब कोई जानता है महाराज ये गरु है कठोर है, आप लोग इसका वास्तविक भार नहीं जानते कितना है। आज मैं सभा में अवगत करा रहा हूं इसका वास्तविक भार कितना है कि 3000 मन अस्थि को जो इसका वास्तविक भार है 3000 मन हड्डियों का। जो मेरी मित्र ये सजावट देख रहे हैं अलग है। अच्छा इस विशाल आयुध को हमारी बेटी सीता ने लीपन करते समय उठा लिया। तब मेरे मित्रों मैंने क्या जाना ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, ये आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। जब ये धरात्मजा है ये आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है, लौकिक नहीं अलौकिक है, इसके लिए बर भी अलौकिक होना चाहिए। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है यदि लौकिक कन्याओं का वर देखना है तो कैसे देखना है व्यास जी कि चोखर परो। बेटी नहीं घर देखने जाती कोई, न कभी बेटी अपने पिता से पूछती कि पिताजी जिसके साथ मेरा पाणग्रह संस्कार हो रहा है। बहुत सुंदर अभिनय आप देख रहे हैं महात्मा विनय जी का। प्रभावित हुए हमारे सुनील कुमार पटेल जी, एस कुमार कृष्ण कुमार पटेल जी जो खजुहा बिंदकी से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से केस पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। देखिए समाज तो जरूर छोटी लगती है लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जितने भी लोग बैठे हैं सभी सुधी हैं। आप लोग निश्चित ही भगवान राम की लीला देखते हैं और हर जगह लीला में महात्मा विदेह का दर्शन होता है, उनका कारुणिक विलाप होता है। लेकिन विशेष यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मुझे नहीं लगता शायद कोई विदेह कभी यह वर्णन किया हो कि इस अजगव का भार कितना है जो हमारे विदेह की प्रस्तुति में हमारे छोटे भाई संदीप शर्मा जी ने वर्णन किया। 3000 मन अस्थियों से निर्मित ये महात्मा दधीच की अस्थियों से बना हुआ धनुष है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभावित हुए हमारे कमल भैया जी जो ग्राम बहरौली बनकी से आए हुए हैं, आपकी ओर से भी केस पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। 3000 मन अस्थि को जिसका वास्तविक भार है तो 3000 मन हड्डियों का है। ये बनो पंच असरारो अरे कलवेली रोधा लगे को साथी। इसका वास्तविक भार है तो 3000 मन हड्डियों का। जो मेरे मित्र ये सजावट जी अलग है,
जब इस विशाल आयुध को हमारी बेटी सीता ने लीपन कर सुने अपने बाम कर से उठा लिया, तब जानते इसकी आयु कितनी थी? 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी। और जब 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की बेटी सीता ने इस विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया, ध्यान में प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय अमर सिंह पाल जी, आप बैनामा लेखक हैं और हमारे क्षेत्रीय ग्राम सनगांव से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से महात्मा विदेह की सुंदर प्रस्तुति में 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साधु। तब मेरे मित्रों, मैंने जाना ये साधारण कन्या नहीं है, अयादृश कौन देख रही थी? हमारी पत्नी रानी सुनैना। रानी सुनैना ने यह दृश्य देखा तो रानी सुनैना ने मुझे बुलाया, तब मेरे मित्र मैंने भी देखा। जब हमारी बेटी 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की बेटी इस विशाल आयुध को अपने बांध कर से उठा करके लीपन कर रही है, तब मेरे मित्रों मैंने विचार किया, कोई साधारण कन्या नहीं है, ये लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, ये आत्मज नहीं अपितु धात्मज है। जब लौकिक नहीं अलौकिक है तो इसके लिए बर भी अलौकिक होना चाहिए। अलौकिक होती तो इसके लिए मैं घर देखता, बर देखता, कुल देखता। जब लौकिक नहीं अलौकिक है इसके लिए मैं बर कैसे ढूंढूं, घर कैसे ढूंढूं? तब मेरे मित्रों मेरे हृदय में विचार आया, तब मैंने प्रण कर दिया, क्यों ना उसी जिस कार्य को हमारी बेटी सीता ने किया है उसी पर मैंने प्रण कर दिया, इसी कार्य को, इस विशाल आयुध को जो दो खंडों में विभाजित कर देगा उसी के साथ बेटी का पाण संस्कार कर दिया। तब मेरे मित्रों मैंने प्रण कर दिया, प्रण की घोषणाएं करवाई, एकाएक अंतर में नहीं अपितु 7 दीपांतरों में, जंबू, प्लाच, सालिमन, क्रुश, क्रांच, पुष्कर और 7। और आज यहां पर 7 दीपांतरों के नेपाल उपस्थित है। लेकिन मेरे मित्रों, कभी भी आप लोगों को अपनी बेटियों का विवाह करना है तो सबसे पहले ग्रंथ देखना है, कैसे कि जो खारे परो। बेटी नहीं घर देखने जाती, क्या बेटी जाती है? नहीं जाती, बेटी के पिता आप जाते हैं। क्या कोई बेटी कभी पिता से पूछती है कि पिताजी जिस घर में मेरा विवाह कर रहे हैं वो बर कैसा है? कितना भी शराबी पति क्यों ना मिल जाए बेटी के लिए, लेकिन अपने पिता के वचनों को बेटी मिथ्या नहीं करती। कितना भी इनको सताया जाए, कितना भी मारा जाए, लेकिन अपने पिता के वचनों को बेटी मिथ्या नहीं करती। कि जो घर परो। बोले महाराज घर देखा कैसा? बोले 4 खंड का मकान बना है, पक्का मकान। क्यों बना है? बोले महाराज हमारी बेटी का विवाह होगा, हमारी बेटी को कहीं गोबर से लीपना ना पड़ेगा, घर देख लिया। अब पर की बात आती है कि जो घर परो। बोले महाराज पर तो बहुत सुंदर है। सुंदरता क्या देखी? तन, चमड़ी देख ली। बोले महाराज बहुत गोरा बालक है, चमड़ी देख करके बेटी का विवाह कर दिया, चाहे बेटी उसी छाण मार दी जाए, लेकिन चमड़ी देख ली। बोले महाराज बहुत सुंदर बालक है, हमारी बेटी की योग्य है, और ऐसे भी नहीं करते। बोले महाराज दिमाग भी लगाते। बोले महाराज आपका बालक शिक्षा कितनी प्राप्त किए है? बोले महाराज स्नातक किए हैं, शिक्षा पूछ ली। अब ये नहीं जाना कि महाराज वो विद्यालय से घर आता है कि कहीं वैश्याले जाता है, कहीं शराब मदरा करता है, ये नहीं देखते। बोले महाराज बहुत सुंदर बालक, चमड़ी देख करके बेटी का विवाह कर दे, तभी बेटियां मारी जाती हैं। ध्यान दे, प्रभावित हुए हमारे भैया परम आदरणीय लाल बहादुर जी, जो कि कुसुम्भी गांव से पधारे हुए हैं, वहां पर भी बड़ी सुंदर लीला होती है और वहां पर कई रामलीला के पात्र भी हैं, लेकिन मैं तो आभारी हूं हनुमान जी का, जिन्होंने मुझे वो शक्ति प्रदान की, जिनके कृपा के कारण मुझे ऐसे ऐसे सुंदर कलाकार मिले जिनका वास्तविक जो लीला का दर्शन है बड़ा ही आनंद को देने वाला है। आपकी ओर से केश पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बालिका है जनपद कानपुर के रामपुर गांव से आई हुई है, उसकी ओर से भी केश पुष्प मुद्राएं प्रदान किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु इंद्रपाल जी जो कि मणिपुर गांव से आए हुए हैं, वाकई मणिपुर गांव जिसका बहुत ही विशेष सहयोग यहाँ के इस कार्यक्रम में है, जहां से तन मन धन हर तरह का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, मैं उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति का आभारी हूँ, उनकी ओर से भी केश पुष्प मुद्राओं का से स्वागत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद साधु। तो मेरे मित्रों पर देख रहे बोले महाराज बहुत सुंदर बालक है, चमड़ी देकर के बेटी का विवाह कर दिया। कि जो घर पर हो ये अनुपा तुम मित्रों करिए विवाह, विवाह ऐसे ना करिए, ऐसे करिए जब बेटी के अनुरूप घर हो पर हो कुल हो तब बेटियों को विवाह कर दो, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी कोई बेटी सताई जाएगी, न कभी कोई बेटी आत्महत्या करेगी। तो करिए विवाह कब, जब ये है सो कहीं अनुरूपा, जब बेटी के अनुरूप घर हो पर हो कुल हो, इन बेटियों का विवाह कर दो, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी। अरे बेटियां तो मेरे मित्रों ऐसी होती हैं कि बेटी का पिता किसी भी जगह जाकर उसका प्राण गहन संस्कार कर दे, कोई बेटी अपने पिता से ये नहीं पूछती कि पिताजी मेरे लिए जो भर देखा है जो घर देखा है वो कैसा है, कभी बेटी नहीं पूछती। कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, बेटियां तो मेरे मित्रों कभी पिता के वचनों को नहीं काटती। कि बेटी ममता की मूर्ति बनी, तुम जहां कहो चलो देती है, और जिसके संग में गांठे बांधी ये स्वीकार सुता कर लेती है, जिसके संग में गांठे बांधी का रिश्ता कर लेती है। ध्यान दे, ये आगे हमारे परम आदरणीय भैया राजेश कुमार जी जो मणिपुर निवासी हैं, आपकी ओर से किस पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साधु। तो मेरे मित्रों बेटियों को कभी भी विवाह कर लो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि करिए विवाह सुता अनुरूपा, जब बेटी के अनुरूप घर हो पर हो कुल हो तब बेटियों का विवाह कर, क्योंकि मेरे मित्रों बेटी कभी अपने पिता से नहीं पूछती, जबकि मेरे मित्रों एक बार पिता को भी अपनी बेटी से सलाह लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा जनक भी यही चाहते हैं कि महाराज जिसको हमारी बेटी चाहती है, जिसको पलकों में बसाए है, उसी के साथ में मेरा विवाह हो जाए। राजा जनक भी यही सोचता है कि महाराज हमारी बेटी का विवाह भी उसी राजकुमार के साथ में हो जाए जिसको हमारी बेटी चाहती है। तो बेटियों कभी भी विवाह करो तो एक बार बेटी से भी सलाह ली जाए महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज आप बेटी से नहीं कह सकते तो आप अपनी धर्म पत्नी से पूछ गई, क्योंकि धर्म पत्नी को बेटी के विषय में प्रत्येक एक बात पता होती है। राजा जनक को क्या पता मालूम था? नहीं, राजा जनक की पत्नी सुनैना को सब कुछ मालूम था। सुनैना को सखियों ने बताया, और कब बताया? कि चली संगुले स
सखी सयानी। राजा जनक की बेटी सीता जब चली कैसे चली, सयानी सखियों के साथ में चली। यहां पर बैठी हुई जितनी मेरी बेटियों, मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ करके, कभी भी घर से बाहर अकेले ना निकलना जीवन में। क्यों? आज जीवन में जो बेटी अकेले निकलती है व्यास जी, योगियों की कृपा है कि नाना प्रकार के अत्याचार दुराचार बंद हो गए, लेकिन अभी कुछ कमियां रह गई हैं। तो बेटियों से एक निवेदन है हमारा कि कभी घर से बाहर अकेले ना निकलना, अपनी सैनी सखियों के साथ में निकलना। क्योंकि राजा जनक की बेटी जब सीता चलती थी कैसे चलती थी कि चली संगुले यह सखी सयानी, तू हो गाबतगी मनोहर पानी। सैनी सखियों के साथ में जब बेटी जाती है तो किसी के नेत्रों में किसी के बाजुओं क्षमता नहीं है मेरे मित्रों कि हमारी बेटी की ओर बुरी दृष्टि से देख सके, बुरी नियत से देख सके, कभी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में सैनी सखियां हैं और सैनी सखियों में बेटियां हैं। अरे चार सखियां, दो सखियां यदि जा रहे हैं तो बेटी आकर के अपनी मैया से जरूर बताएगी। इस विचार ऐसा मेरे मित्रों मेरा कहना है कि यदि बेटियों को कभी भी चलना है तो अकेले नहीं सैनी सखियों के साथ में चलना होगा। और जब मेरे मित्रों पुष्प पाटिका में सीता अपनी अष्ट सखियों के साथ में गई तो वहां देखा क्या कि दो राजकुमार पुष्प तोड़ रहे हैं। उन राजकुमारों को अपने नेत्रों में बेटी ने देखा, पलकों से देखा कि वो राजकुमार पुष्प तोड़ रहे हैं महाराज। उस राजकुमार को अपने पलकों में अपने हृदय में बसा लिया बेटी सीता ने। यह दृश्य सीता की सखियां देख रही थी तो सीता की सखियों ने आकर के मां सुनैना से कहा। जब रानी सुनैना से कहा तो रानी सुनैना ने मुझे बताया। तब मेरे मित्रों राजा जनक भी यही चाहता था महाराज कि बेटी जिसको हमारी चाहती उसके साथ में विवाह हो। जब मेरे मित्र पुष्प लेकर के मां भवानी के दरबार पर चल पड़ी तो कैसे कि गई भवानी भवानी बहोरी। मां भवानी के दरबार पर चल पड़ी और कैसे कि बंदी चरण बोली कर जोरी। मां आप मेरे विषय में सब कुछ जानती हैं, मैं किसको चाहती हूं आप ये भी जानती हैं मां। तो बिना प्रेम बस भई भवानी। बिने और प्रार्थना सुनकर के मां भवानी प्रसन्न हो गई, ध्यान में प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया परम आदरणीय घसीटे सविता जी। आप बरनपुर निवासी हैं और आप भगवान भूत भावन शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। आपके यहाँ भी भगवान श्री राम की पावन बहुत ही सुंदर लीला होती है जिसकी एक तारीख निश्चित है 4 मार्च। प्रभु की कृपा से इस बार मुझे भी वहाँ की लीला का अवलोकन करने का अवसर मिला। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि बड़ी सुंदर लीला होती है। आपकी ओर से 501 रुपया हमारी मंदिर रामलीला कमेटी के लिए प्रदान किए गए, साथ ही 21 पुष्प मुद्राएं महात्मा विदेह जी की कारुणिक प्रस्तुत पे दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और ये आ गए हमारे हरि ओम पाल जी और कुलदीप पाल जी। ये दोनों छोटे छोटे बालक हैं, दिल के बहुत धनी हैं, जेब में थोड़ी मनी है, इसलिए संयुक्त रूप से 21 पुष्प मुद्राएं भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। तुबने प्रेम बस भई भवानी। माँ भवानी प्रसन्न हो गई बने और प्रार्थना सुनकर के। और जो माँ भवानी की गले में माला डली थी वो तो माला खिसक गई तो खसी माल मूरत मुस्कानी।
पत्थर की शिला मुस्कुराने लगी। जब पत्थर की शिला मुस्कुराने लगी तो पत्थर की शिला ने सब कुछ जान लिया। तब मेरे मित्रों उस शिला ने क्या कहा कि सुन सिए सा तो आशीष से हमारी तो पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो बेटी मैं जानना चाहता हूँ माँ भवानी का आशीर्वाद गया कहाँ। ये आ गए हमारे आदरणीय अमित जी, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तो ये है मौन सभी पंडित बेटी वो आशीर्वाद गया कहाँ। ये है मौन सभी क्यों पंडित हो ज्ञानी। तुमने तो बेटी कहा था कि प्रथम ही कहा था मैंने सुनेरा से रानी कि वो होशला मूर्ति का मुस्कुराना अशुभ है। तो बेटी तुम दौड़ती हुई आई और मेरे पास बैठ गई तो तुमने कहा था नो पिताजी मुझे मान दी शुभ तो तुमने कहा था नो पिताजी मुझे मान दी शुभ आशीष है। ध्यान में प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय श्री शिव शंकर भैया जी और भागत जी जो कि कई वर्षों से इसी आश्रम में आप 2400 घंटे रह करके हनुमान जी की सेवा करते हैं। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महात्मा विदेह जी के लिए, क्रमशः सुखराज पाल जी आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। बस अब हमें समय सूचक यंत्र बात करना, विचार तो बहुत कुछ कहने का था लेकिन अंतिम वक्त कहना चाहते हैं कि मुझे तेरी, अरे विधाता यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता कि मुझे तेरी इस नियत का जो पता प्रभु चल गया होता यदि ऐसा मालूम हो गया होता तो आज विकल होकर योगी तो कभी प्रण में नहीं करता अगर यह ज्ञान जो होता तो ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है। अरे तू हंसाता है और रुलाता है पर समझ में कुछ न आता है। तो वही अच्छा अभी होता जो ये हल्का फल न मिला होता तो वही अच्छा अभी होता तो ये हल्का फल न मिला होता। तुम मुझे तेरी इस नियत का जो प
पता प्रभु चल गया। ध्यान में प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया आदरणीय उमेश गुप्ता जी मणिपुर निवासी, आपकी ओर से एक केश पुष्प मुद्राएं। पुनः आदरणीय रघुराज पाल जी आपकी ओर से केश पुष्प मुद्राएं और परम आदरणीय श्री चंदो सिंह चौहान रामलीला कमेटी अध्यक्ष मणिपुर आपकी ओर से भी केश पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बस अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं कि देखिए हमने आपका पौरुष देखा, मैंने आपका चित्त, अब कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने वीता माखे का प्रयास न करे। और ये आगे हमारे श्री कृष्ण पाल जी चौहान साहब मणिपुर निवासी आपकी ओर से भी केश पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब जन कौ माखे धट मानी कहो वीर विहीन ये मही मैं जानी। कब जानी? जब ये दुर्गति सामने आई, देखो ना तब वीर। आप ध्यान में ये आगे हमारे बड़े भैया राम खिलावन गुप्ता जनपद ग्राम मुड़वारा जनपद बांदा आपकी ओर से केश पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। वीर विहीन मही मैं जानी, जब वीर विहीन मही में जानी कृपा समाप्त हो गई आपकी मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का प्रत्याग नहीं तो कहना चाहता हूं ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो वो वंद, क्योंकि ब्रिटिश मिथिलेश की इस रंग अंतरंग रंग अंतरंग सीता की सखियो ले जाओ हमारी बेटी सीता को अतिशीघ्र। जनक बचन सुनि सब नर नारी देख जानकी भय दुकारी। आगे हमारे आदरणीय नरेश भैया चौहान साहब मणिपुर निवासी आपकी ओर से भी केश पुष्प मुद्राएं महात्मा विदेह जी को समर्पित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। ओ माखे लखन कुटिल भई भोग रदपट फरकत नयन ओरिसा कई न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनो।